गाइस, सभी स्टूडेंट्स का जो नीट 2020 का जो सिलेबस है वो एक बार का सभी का कंप्लीट हो चुका है। अब एनटीए ने कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया है स्टूडेंट्स को, 30 to 40 days का हम मान के चलते हैं आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है। तो अब स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा कि इस सिलेबस को जो हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है इसको रिवाइज कैसे करें और इन 30 to 40 days को मैनेज कैसे करें, इन 30 to 40 days को यूटिलाइज कैसे करें। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है को तो दोबारा उसको रिवाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाती है, ये बात मैं समझता हूँ। अब इसको रिवीजन कैसे करना है तो ये वीडियो उसी को लेकर है। कुछ एक मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, शॉर्ट सा वीडियो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपका नीट का सिलेबस। आपको सिलेबस पता है, मुझे पता है, तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले अगर बात कीजिए फिजिक्स की, तो फिजिक्स के ये 11th के टॉपिक्स है और ये 12th के टॉपिक्स है। ठीक है, ये आप सभी को पता है, एक बार देखते जाइए मैं आपको पूरा बता दूंगा। उसके बाद आपका केमिस्ट्री की बात की जाए तो ये आपके 11th के टॉपिक्स है और ये 12th के टॉपिक्स है। ठीक है, बात की जाए बायो के तो ये आपके 11th के टॉपिक्स एंड ये 12th के टॉपिक्स। तो बायो की अगर बात की जाए तो आपके 10 टॉपिक्स हो गए। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए, केमिस्ट्री की बात की जाए, तो आपके ये टॉपिक्स हो गए 30 टॉपिक्स एंड इसकी बात की जाए तो आपके 20 टॉपिक्स मान सकते हैं, 20, 30, 50, 50 एंड देन टोटल आपके 60 टॉपिक्स है। ठीक है, टोटल आपके 60 टॉपिक्स है। अब इन 60 टॉपिक्स में से हमें उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है जिनकी वेटेज नीट एग्जामिनेशन 2020 में थोड़ी ज़्यादा है अन्य टॉपिक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उन टॉपिक्स को अगर हम चूज करते हैं तो इन 60 टॉपिक्स में वो टॉपिक्स निकल के आते हैं करीब करीब 30 to 40 टॉपिक्स अपने मान सकते हैं। ठीक है, 20 टॉपिक्स को अगर स्किप भी करना चाहें तो ये 30 to 40 टॉपिक्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, जो रिविज़न करना है वो इन्हीं 30 to 40 टॉपिक्स का करना है। वो रिविज़न कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, एक एनसीईआरटी का फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट किया है जिसमें मैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस देता हूँ 3 से 4 मिनट की। पहले मैं बायोलॉजी कंप्लीट करूँगा, फिर फिजिक्स एंड फिर केमिस्ट्री। ठीक है, इस प्रकार मैं पूरा का पूरा जो है वो रिवीजन करवा दूंगा आपका एनसीईआरटी का। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, यूनिट्स को लेकर एंड वैल्यूज़ को लेकर। ठीक है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो वीडियोस आप देख लीजिए, 3 से 4 मिनट का है, ज़्यादा टाइम मैं आपका ख़राब नहीं करूँगा। ठीक है, इन टॉपिक्स में क्या क्या होता है इन इस फर्स्ट रिवीजन में, मैं आपको इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताता हूँ जो कि आपकी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज़ में मैंने इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ बताई है जो कि आपकी नीट 2020 के एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब इन टॉपिक्स को रिवाइज कैसे करना है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट रिवीजन। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, रोज़ शाम को मेरा लाइव सेशन आता है 9 PM पे, 9 PM पे रोज़ शाम को एक लाइव सेशन आता है। और आज का जो ये लाइव सेशन आने वाला है वो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी कि आज के टॉपिक में बायोलॉजी का एक चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट के या फिर मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वो सभी क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ, उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा और साथ साथ उनके हिंट्स भी दूंगा। ये हमारा 10th सेशन रहने वाला है, इसके अलावा 9 सेशन भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आज से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस वीडियो को देख के आप अपना रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, अगर आपके 30 to 40 days मैनेज हो चुके हैं, आपने एक परफेक्ट टाइम टेबल बना रखा है, तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। कोशिश कीजिए कि खुद तैयार करें, अपना टाइम टेबल फिक्स मत कीजिए, टाइम टेबल को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, ये मैं खुद आपको बोल रहा हूँ। टाइम टेबल मत फिक्स कीजिए, आप रिवाइज कीजिए, जितना हो सके उतना टाइम अपनी स्टडी को दीजिए। वैसे भी आप फ्री हैं तो जितना हो सके अपने टाइम फ्री स्टडी को दीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस सेशंस को, ये करीब करीब 20 to 25 मिनट्स का सेशन रहता है, तो इस सेशन को जरूर देखिए। ठीक है, तो ये कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स थी मैंने नीट 2020 की एग्जामिनेशन को लेकर, उसके रिविजन को लेकर। उम्मीद करता हूँ ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप सभी को पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई बेटर ऑप्शन है इस रिवीजन को लेकर, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अदर इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, हैव अ नेक्स्ट डे।